जनपद में DDMS ऐप से ट्रैफिक कर्मचारियों की चेकिंग की जाएगी, जिसके संबंध में SP सिटी सोनम कुमार ने बताया कि DDMS ऐप को ट्रैफिक में लागू कर दिया गया है, जिसको देखते हुए अब ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी DDMS ऐप के माध्यम से चेक की जाएगी। इसके पहले जो प्रधानमंत्री आगमन, राष्ट्रपति आगमन, गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती थी, उन्होंने कहा हमारा प्रयास है कि भविष्य में गोरखनाथ मंदिर एयरपोर्ट पर DDMS ऐप से ड्यूटी लगाई जाएगी और ऐप के माध्यम से पुलिसकर्मियों की ड्यूटी चेक की जाएगी। यह ऐप यह भी बताएगा कि पुलिसकर्मी कब ड्यूटी पर पहुंचा। जो भी पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लेट पहुंचेगा उसका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी सोनम कुमार ने कहा देखिए DIG महोदय के निर्देशानुसार और कप्तान साहब के आदेशानुसार जो DDMS ऐप है इसको आज हम लोगों ने ट्रैफिक में लागू कर दिया है। तो कल से ट्रैफिक वालों को जो ड्यूटियाँ हैं वो DDMS ऐप पे लगातार चेक की जाएंगी। DDMS ऐप इसके पूर्व जो मुख्य आयोजन होते थे जैसे प्रेजेंट विजिट, प्राइम मिनिस्टर विजिट या फिर कोई भी बड़ा आयोजन होता था, खिचड़ी मेले का आयोजन होता था, ऐसे टाइम पे लगाया जाता था और अब इसको रेगुलर यूज़ किया जाएगा, प्रतिदिन के उसमें यूज़ किया जाएगा। और भविष्य में हम प्लान कर रहे हैं कि गोरखनाथ मंदिर और एयरपोर्ट, HURL, एम्स, ऐसे जो सेंसिटिव स्थान है हमारे, इनके लिए भी हम जो भी ड्यूटियाँ लगाएंगे उसको DDMS ऐप के द्वारा उनका अटेंडेंस चेक किया जाएगा। व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा, चेक इन करेगा, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश, देशांतर और किस समय वो अपने ड्यूटी पे पहुँचा, ये ऑटोमेटिकली हमारे सर्वर पे आ जाएगा। और जो भी व्यक्ति लेट आएंगे उनका स्पष्टीकरण या जैसे भी जो भी दंडात्मक या सुधारात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी संबंधित एडिशनल SP द्वारा।